अब खुशखबरी कारोबारी दुनिया से आपको बताएं, आईपी पीस के घनौने किरदार का इंकशाफ। बगैर बिजली पैदा किए एयरपोर्ट पे की वसूलियां, आईपी पीस ने गलत कॉन्ट्रैक्ट किए जिसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। आईपी पीस ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में विंड प्लांट्स 4 गुना महंगे लगाए। कोयले के वसी जखायर के बावजूद आईपी पीस इम्पोर्टेड फ्यूल और दरामदी कोयले पे इंसाफ कर रही है। आईपी पीस ने जितना इम्पोर्टेड फ्यूल दरामद किया इतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से एयरपोर्ट पे की सब्सिडी भी हासिल की। आईपीपीएस ने प्लांट्स की देखभाल की मद में हुकूमत से एयरपोर्ट पे वसूल किए। हुकूमत पाकिस्तान आईपीपीएस की इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है। और बिजली की तकसीम कार कंपनियों में इस्लाहात का अमल तेज कर दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के रिश्तेदार डिस्कोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन का इजलास हुआ। इजलास में डिस्कोस में मुलाजमीन की कमी और ह्यूमन रिसोर्सेज पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर डिस्कोस को आउट सर्विंग मद्देनजर रखकर मुलाजमीन की कमी पूरे करने की हदायत जारी की। लाइन लॉसेज में कमी, बिजली चोरी के खात्मे और कस्टमर केयर की दोबारा से जाँच पड़ताल की भी हदायत की गई। और चीनी कंपनियां तेल और गैस की तलाश में सरमायाकारी करेंगी। तेल और गैस में बैरूनी सरमायाकारी के लिए इकदाम के तौर पर 8वीं सिल्क रूट एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन का इनेकाद किया गया। मुसद्दिक मलिक ने पवेलियन में चीनी कंपनियों का सरमायाकारी के मौके से आगाह किया। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि चीनी कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम करेंगे। इस मौका पर चीनी कंपनियों से पाकिस्तान के तेल और गैस सेक्टर में शराकत दारी के लिए बातचीत की गई।